तो कौन से क्लब से शुरू की थी और कहां से शुरू की थी और मेरी टीम के कप्तान कौन थे? अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे बीइंग पाकिस्तानी तो हम यही जाएंगे कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं एंजॉय आसिम व्लॉग्स। आज मैं क्रिकेट के ग्राउंड में हूँ और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना है, तो कुछ थोड़ी सी बॉलिंग, कुछ थोड़ी सी बैटिंग और फील्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करें, एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ कि जब मैंने क्लब क्रिकेट शुरू की थी तो कौन से क्लब से शुरू की थी और कहाँ से शुरू की थी और मेरी टीम के कप्तान कौन थे, तो आज उस शख्सियत से मिलाता हूँ। वो शख्सियत है ये कप्तान मेरे नुसरत भाई। बड़ी यादें हैं, बहुत छोटा सा होता था मैं जब क्रिकेट शुरू करी इनके क्लब से मैंने, तो बड़ी यादें हैं और इसी क्लब से मेरी क्रिकेट शुरू हुई और इसी क्लब में मैंने अपनी क्रिकेट खत्म की और अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमने भी अपने क्लब का नाम बहुत रोशन करा। कराची की टीम से खेले, सिंध की टीम से खेले, यूनिवर्सिटी की टीम से खेले, अंडर 19 खेले, कराची अंडर 19 खेले, पाकिस्तान अंडर 19 में नाम आया, फिर उसके बाद कैजम ट्रॉफी खेली ग्रेड 2, कैजम ट्रॉफी ग्रेड 1 खेली, साइड मैचेस खेले, पाकिस्तानी कैंप अटेंड करा, पाकिस्तान कैंप अटेंड करा। तो ये मेरे सीनियर हैं नुसरत भाई, जिनके क्लब से मैं सब कुछ खेला हूँ और जिनकी बदौलत आज क्रिकेट में जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम अल्लाह का होता है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी वो मेरे इस क्लब से थी। और आज मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक ब्लॉग बनाने से पहले कि मैं क्रिकेटर था, तो आज फिर मैं पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आया हूँ। तो ये मेरे कप्तान हैं नुसरत भाई, तो इन्होंने कुछ बेहतरीन तरीके से यहाँ अपनी क्रिकेट की एक अकेडमी बनाई हुई है, जो बच्चों को ये फ्री के अंदर बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम है। मैं बोलूँगा कि कदर करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों की कदर करो, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आजकल के दौर में इतने महंगाई के दौर में और बच्चों को फ्री क्रिकेट देना, खिलाना और इस इतने महंगे ग्राउंडों के अंदर, तो कदर करें प्लीज़ आप लोग मेरे कहने में। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नुसरत भाई है। अच्छा नुसरत भाई, मुझे ये बताएं आपने कौन से सन में क्रिकेट खेलना शुरू किया था? अस्सलाम वालेकुम, सैयद नुसरतुल्लाह बात कर रहा हूँ। मैं कराची क्रिकेट एग्जेक्टिव क्रिकेट का, मतलब जो हमारे KCC थी उसका एग्जेक्टिव मेंबर था, और Zone 2 से मैंने तकरीबन 20 साल मैं जो हूँ वाइस चेयरमैन रहा हूँ मैं इसमें। और क्रिकेट हमने शुरू की थी 74 में। ये हमसे आप खुद भी एक पाकिस्तान खेले हैं माशाल्लाह, आपने सब चीज़ें यूनाइटेड से शुरू हुए थे, यूनाइटेड पे ख़त्म किए, फर्स्ट क्लास के लिए अंडर 19 के लिए पाकिस्तान कैंप किया आपने, और माशाल्लाह आपको स्वीगस से जॉब भी मिली। तो ये हमारे लिए, मतलब हमारे क्लब की और एकेडमी के लिए एक बहुत ऑनर की बात है, एक मेडल हमें मिला कि हमारा एक लड़का और गया। फिर हमारे अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का और सेमीफाइनल्स हुए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता है और इंडिया जो है वो इंग्लैंड से हार गया, नो डाउट इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला, क्लीन स्वीप करा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हम लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि यार इंडिया से हमारा फाइनल होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होगा, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। तो नुसरत भाई बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर क्रिकेटर है, तो मैं नुसरत भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जब इंग्लैंड का और पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है, तो आपको कौन सी टीम की उम्मीद नज़र आती है कि ये फाइनल जीतती है? बात ये कि देखें, बीइंग पाकिस्तानी तो हम यही जाएंगे कि पाकिस्तान जीते, बेशक, और जीतना चाहिए इंशाल्लाह। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं बिल्कुल, मगर जो सामने हरीफ है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इस वक्त हर डिपार्टमेंट में, हर पॉकेट्स में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सही, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि 92 का वर्ल्ड कप उठा लिया है, यही पोजीशन थी, इस तरह हम अल्लाह ताला की सब ने दुआएं मांगी तो हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए, और सेमीफाइनल जीत के माशाल्लाह आज पाकिस्तान फाइनल में आ गए।
इसी तरह यहाँ इंग्लैंड का भी है कि सब दुनिया पूरी ये सोच रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, मगर ये कि इंग्लैंड ने जो है वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखाते हुए इंडिया को हरा दिया। मगर सामने जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये मैं बता दूं। इंग्लैंड हरीफ तगड़ा है, तगड़ा हरीफ है, और उससे जीतना जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए कि वो टीम जो 92 में थी और इस टीम में बहुत फ़र्क है। ये टीम एक्स्ट्रॉर्डनरी है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए है अभी जो पाकिस्तान का ने बनाया था बाबर आजम और उसने अपना रिजवान ने जो रिकॉर्ड बनाया था वो इंग्लैंड ने तोड़ दिया है अपना बटलर ने और हेल्स ने। तो आपका पॉइंट जो आपका जो वोट है वो ज़्यादा मतलब इंग्लैंड की तरफ है कि वो उनके उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल है, मगर ये बीइंग पाकिस्तान के पास पाकिस्तान तो यही चाहूँगा, अल्लाह ताला दुआ है मेरी कि भाई पाकिस्तान और जीतना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ये कि हमारे क्लिक कर गए बाबर आजम और रिजवान तो इंशाल्लाह बताला हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इसलिए अगर हम 160 भी बना गए ना तो इंग्लैंड को बनाने नहीं देंगे, ये बात तो है। हमारी बॉलिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तगड़ी बॉलिंग, हाँ बस ये है। और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, हाँ प्रॉब्लम, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हमारी दुआ बॉलिंग में हम पकड़ लेंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा इंशाल्लाह और हम ये ट्रॉफी अपने मुल्क वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।